सम्मानीय राम सिंह कस्वां जी, जैसे ही आपकी टिकट हुई मेरे पास आए, मेरे पिता की उम्र के हैं और मुझे आकर कहते हैं, कृष्णा हम कांग्रेस पार्टी में आ गए, आपके पास आ गए तो हमारी मदद कर। मुझे लगता है कि मुझे अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। मुझे मालूम है राहुल जी की सब माला लेकर स्वागत करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन जोरदार तालियों से एक बार आप सब की तरफ से स्वागत की। मैं हमेशा कहती हूं कि सामने की पंक्ति में बैठा जो व्यक्ति है सही मायने में स्वागत वही कर रहा है। सुनने हम किसको सुनाएंगे अगर खाली होगा तो आगे से, बात तो वही है ना। तो आप लोग सबसे अच्छा स्वागत करते हो, आपके स्वागत के लिए मैं धन्यवाद करती हूं। आपके आने से पहले मेरी कुछ बातें राहुल जी, एक बार मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि एक बार बैठ जाएं। मेरी इन सब जाबाज सिपाहियों से जो पार्टी के प्रति निष्ठा से काम करते रहे हैं, इनसे बातें हुई। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले हम आमने सामने चुनाव लड़ते रहे और आज हमारे कांग्रेस पार्टी का परिवार है। विचारधारा की लड़ाई थी और आज हम एक विचारधारा में हैं और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया है। मैं मेरे सामने बैठी इस जनता जनार्दन जो कि पिता तुल्य है, एक गार्जियन के रूप में 10 वर्षों तक मुझे संभाला, एक साथी के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, एक बड़े ससुर के रूप में, हर तरीके से उस रिश्ते को इस जनता ने मेरे साथ निभाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी के लिए ये लड़ते रहे हैं। और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरीके से मान और सम्मान के साथ हम ये लोकसभा का चुनाव आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, ये आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि बूथ पर लड़ाई हम आमने सामने करते थे, अब जरूरी है कि आपला कार्यकर्ता एक दूसरे कन बैठ के ने अपनो जो रणनीति बना ले। तो अब मैं आगे बढ़ गया हूं, एक थारले साथियों ने कह दियो भाई अब मेल जोल बढ़ा के रणनीति बना लो, कह बूथ पे आगे किया राखनू है, वोट किया लियानु है, डलवानू है, एजेंट बनाना है। आज सारा का सारा मेरी बात देखा है, आंगी मैं परमिशन ले ली, आ मैंने परमिशन दे दी और हाथ जोड़ के एक बार आने भी भरोसो है कि थे हाथ खड़े करके दिखा दो कि थे साथ। अब क्योंकि एक मिनट मैं बोल रही हूं, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगी, क्योंकि आज हर वर्ग पीड़ित है और लोकसभा में आप वो आवाज बनकर गूंजे, ये भरोसा आपसे चाहते हैं। किसान की, मजदूर की, बेटियों की, खिलाड़ियों की, छोटे व्यापारियों की, हर वर्ग को आप बड़ी मजबूती से उठाएंगे और उसे उठाने लायक मेरे ये सारे कार्यकर्ता आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और क्योंकि भाषण हमेशा करता रहूंगा, आज तो मिलन समारोह हो, आज तो मिलन समारोह ही हो आप लोग। ऐ मना 10 दिन तक ही फोन ना मैं टिकन कौन दी कही बापा, मन का आपा कांग्रेस पार्टी से आ गए। और आज इसी मंच के माध्यम से आपको बताती हूँ कि मैंने धन्यवाद इसी मंच पे किया था और इन सब साथियों को कहा था कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी प्रत्याशी बनकर आएगा तो हम ईमानदारी से उसका स्वागत करेंगे और आपका स्वागत करेंगे। और बड़ा हमें बनना है। सम्मानीय राम सिंह कस्वां जी, जैसे ही आपकी टिकट हुई मेरे पास आए, मेरे पिता की उम्र के हैं वो और मुझे आकर कहते हैं, कृष्णा हम कांग्रेस पार्टी में आ गए, आपके पास आ गए तो हमारी मदद कर। मुझे लगता है कि मुझे अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे नहीं दिखानी चाहिए और ईमानदारी से आपको भरोसा दिलाते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरी ये जो टीम है ईमानदारी से साथ रहेगी और आप अपने लोगों को कहिए इनसे तालमेल बिठाकर आगे की रणनीति बनाए और हम चुनाव जीतें।